हे फ्रेंड्स, मैं अनीस और आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ एक सोलो वर्जन स्कोड का एक मैच। और दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मेरे द्वारा खेले गए जो भी गेम प्ले की वीडियो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हो तो बेशक अपलोड कर सकते हो। मुझे कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी भाई को कोई कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाला हूँ। और आप अपना मोनेटाइजेशन अगर आप लोगों को इनेबल है तो आप मोनेटाइजेशन के लिए भी मेरे वीडियो यूज़ कर सकते हो। मेरे वीडियो सारे के सारे क्रिएटिव कॉमन है मेरे सभी सब्सक्राइबरों के लिए और जो भी यूज़ करना चाहते हो उनके लिए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये जो इनका रैंकिंग मैप है मैं उसके अंदर खेल रहा हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी स्कोर मिलने वाली है और मैं हूँ यहाँ पे सिंगल, क्योंकि मैं यहाँ पे सोलो वर्जन स्कोर का मैच खेल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले फटाफट थोड़ी सी लूट कलेक्ट कर लेता हूँ। लूट कलेक्ट करने के बाद जैसे मैं बाहर निकलता हूँ, देखिए दोस्तों सामने और उधर से लगातार फायरिंग कर दी और ये प्लेयर होते हुए उस घर के अंदर गया है। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने उसमें और भी इसको मैंने डैमेज दे दिया है। तो अब ये प्लेयर दौड़ साइड चला गया और मेरे इसको यहाँ पे नॉकआउट कर दिया, ठीक है। और काफ़ी इजी वे में ये मारा गया और आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे हो चुकी है बुलेट ख़त्म और मेरे पास अभी 12 बुलेट मेरे पिस्टल में है। तो चलिए, सबसे पहले मैं पिस्टल की बुलेट से इसका किल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक किल कर दिया है और अच्छी शुरुआत है। उतरते ही मेरे को एक किल मिल गया फ्री का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ से लूट कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को जब भी ये गेम खेल रहे हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सबसे पहले उतरो। दोस्तों, जैसे सबसे पहले उतरते हो तो अगर आप पहले उतर जाते हो तो यार काफ़ी सारे बंदे बाद में उतरते हैं, काफ़ी टाइम बाद में उतरते हैं। दोस्तों, ये सामने की ओर से मेरे पे हुई है बुलेट फायर, कहाँ से हुई है मुझे अभी एनिमी मेरे को दिख गया है, मैंने उसको स्पॉट कर लिया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ही किल कर दिया, ये यहाँ पर आ रहा है, फायर कर दिया और ये नॉकआउट हो गया। और एक ये बंदा नीचे की साइड मेरे पे फायर कर रहा था। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका भी किल कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी दोस्तों मेरे पास ज़्यादा बुलेट नहीं है, 10 बुलेट और ये लीजिए दोस्तों, ये नॉकआउट तो हो गया लेकिन मेरी बुलेट ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बची एक बुलेट और एक बुलेट से शायद ये नहीं मरेगा, वो भी मुझे पता है। तो मेरे पास पिस्टल में अभी 6 गोलियाँ पड़ी हुई है, तो मैं इनमें से पिस्टल यूज़ करके इसका किल कर दूँगा। दोस्तों, एक देख सकते हो एक बुलेट से नहीं मरा और एक और बंदा नॉकआउट। तो इसी के साथ मेरे पास हो चुके 3 किल और 33 अलाइव। तो मैं फिर से इस घर के अंदर, तो दोस्तों पीछे की ओर से मेरे पास किसी ने फिर से बुलेट फायर की और मेरे पास आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 12 गोलियां हैं, सिर्फ आई मीन टू से 12 बुलेट है और पिस्टल में 15 हैं और मेरे पास बुलेट नहीं है और ना ही कोई अच्छी गन है। और अब तक हो चुके हैं मेरे पास 3 किल और पीछे से मेरे को ये किसी ने फायर। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, वो बंदा यहीं पे आएगा, ज़रूर आएगा क्योंकि मुझे पता है फुटस्टेप की आवाज़ मेरे को आ रही है और देखते हैं कब आता है। और जैसे आएगा मैं उसको किल करके उससे कुछ बुलेट्स और वेपन्स वगैरह कलेक्ट कर लूँगा। 100% किल तो मैं कर ही दूँगा उसका, तो अभी तक तो आया नहीं है और मैं वेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ा। और जैस देखिए दोस्तों, ये आ चुका है और ये भाग गया, ये सिर्फ मेरे को अपना मुंह दिखाने के लिए आया था। देखिए बुलेट भी ख़त्म हो गई और फिर से मेरे पास 0 बुलेट हो गई और ये बंदा भी नॉकआउट हो गया। मैंने फिर से यहाँ पे पिस्टल लेनी चाहिए मेरे को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिस्टल से किल कर दिया और आप लोग देख सकते हो अब भी मेरे पास सिर्फ 3 बुलेट हैं। और दोस्तों, मेरे को इसके पास से काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल गई है और मैंने ये लूट भी कलेक्ट कर ली है। और पता नहीं यार, प्लेयरों के पास इतनी अच्छी अच्छी गन होती हैं फिर भी वो क्यों भाग लेते हैं आगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को कभी भी अपनी एनिमी को पीठ नहीं दिखानी है इस गेम में, चाहे आप नॉकआउट क्यों ना हो जाओ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आगे आगे दौड़ने लगते हो तो एनिमी आप लोगों को इजीली किल कर देता है। इससे अच्छा तो आप वहीं डट के मुकाबला कीजिए, क्या वो आपको मार देगा या आप उसको मार दोगे, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ये करना चाहिए, ना कि आप लोगों को आगे आगे दौड़ पड़ना चाहिए। तो आप किसी बंदे पे 2 बुलेट फायर करके उसके अगर आगे आगे दौड़ते हो तो ईजिली वो बंदा आपको किल कर ही देगा। तो यहाँ पर मेरे पास हो चुके 4 किल, 21 अलाइव हैं और देखते हैं यहाँ पे और मुझे कितने बंदे मिल सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, पहले टायर से यहाँ पे जंप मार दी और यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ और मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ क्लो। तो यहाँ पे मैं फिर से चढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे सो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी ने पीछे की ओर से बुलेट फायर की। अब कहाँ से की वो तो मुझे नहीं पता
और मैं उसको पहले ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं आसपास दिखेगा तो यहीं पे कुछ, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास, ये देखिए ये बुलेट फायर हो रही है, लेकिन किस साइड से हो रही है मुझे नहीं पता। बंदा काफ़ी दूर है और देखिए मैप में भी निशान वगैरह नहीं आ रही वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको देख रहा हूँ यार बंदा है किधर, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा कि बंदा कहाँ पे है। तो शायद मुझे इस टायर पे एक और जंप मार के उस ऊपर वाली बिल्डिंग पे चले जाना चाहिए, या फिर वहीं वेट करना चाहिए। बंदा होगा तो यहीं पे आएगा और मैं उसको इजीली लुढ़का दूंगा, लेकिन है कहाँ वो मेरे को नहीं पता। और चलिए मैं सबसे पहले ऊपर चढ़ने की ट्राई करता हूँ इस टायरों की मदद से। और दोस्तों यहाँ पे मैं स्पॉट करता हूँ बंदा कहाँ है, शायद मुझे दिख जाए तो मेरे को एक और किल मिल जाए। तो दोस्तों मैं इसको चारों तरफ देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बंदा है कहाँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पे फिर से उसने बुलेट फायर किए, शायद किस साइड से। बंदा मेरे से काफ़ी दूर है, लेकिन मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ किधर है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और वेट करता हूँ, अगर नज़दीक आएगा तब मैं मारूंगा। और देख सकते हो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में इसे बुलेट आ रही है और किस डायरेक्शन में वो बंदा है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपनी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने एक हेल्थ किट लगा ली। और अगर दिख जाए तो यकीन मानिए उस बंदे की मैं चटनी बना दूंगा यहाँ पे। तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कुछ समझ आ रहा है कहाँ पे है वो। और उसने मेरे को बड़ा गंदा डैमेज दिया, और क्योंकि उसने मेरे पर काफ़ी सारी बुलेट फायर कर दी। मुझे लग रहा है कि शायद वो बंदा दौड़ते हुए उस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और हो सकता है मेरा वहम हो। वो एक बार शायद मैंने उसको देखा है इस ओर दौड़ते हुए, ऐसा लगा मेरे को कि इसके पीछे की साइड कोई बंदा गया है दौड़ते हुए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्कोप ऑन करके उसको अच्छे से देख रहा हूँ, और दिख जाए तो भाई मज़ा आ जाए, लेकिन दिख ही नहीं रहा है मेरे को फिलहाल तो। मैं वो लेकिन मैं श्योर भी हूँ नहीं भी हूँ, और कोई बात नहीं दोस्तों। तो उसी साइड अपना सर्कल भी उसी साइड बन रहा है, ठीक है। तो मुझे भी अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सर्कल तेज़ी से मेरे ऊपर पुश कर रहा है। आप लोग देख सकते हो सर्कल मेरे यहाँ पे, ये देखिए पीछे आके खड़ा रह गया है। और ये मेरे को भी शायद अभी उसी ओर जाना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले नीचे उतरता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हो दोस्तों मेरे पीछे जोन आके खड़ा है, सर्कल आके खड़ा हो चुका है, और मैं इस घर की छत पे आ गया। और यहाँ से मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरी थोड़ी सी हेल्थ डैमेज हो गई। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों मेरे पास एक बिल्कुल भी अच्छी गन नहीं है, और पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। तो चलिए अगर मुझे अच्छी अभी भी एक, मतलब एक अच्छी गन तो, स्टेबल गन तो चाहिए चाहिए जो ऑटो फायर कर सके। आप ये मतलब एक एक करके बुलेट फायर करती है, और दूसरी मेरे पास शॉर्ट गन है, और एक मेरे पास पिस्टल है। तो पिस्टल से मतलब एक एनिमी तो मर सकता है, लेकिन अगर स्क्वाड होगी तो मारना मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए दो स्क्वाड, दो आई मीन टू से दो प्लेयर आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए हम उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हैं, और दोनों को यहाँ पे किल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि तो अब ये दोनों लड़के इन लोगों की आधी आधी हेल्थ तो देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इजीली मैं इसको यहाँ पे नॉक कर, वो भाग रहा है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ तो दोस्तों उसको मारने से ज़्यादा मेरे पास अभी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो मैंने उस बंदे को किल किया उसके यहाँ से लूट कलेक्ट कर लो। अगर मैं उसको मारने जाऊँगा तो, क्योंकि मेरे पास अच्छी गन तो है नहीं, तो मेरे पास मेरे को इजीली किल कर देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़ी सी, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर अच्छी गन मिल चुकी है, और मैंने ये इस गन को ले लिया है, और यही गन अब हमें जिताने वाली है। तो चलिए अब हम उस बंदे को भी यहाँ पे किल करेंगे, क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में गया था उन घरों के पीछे की साइड। तो मैं देखिए अभी मेरे पर बुलेट फायर कर रहा है, ये ऊपर की साइड कहीं से कर रहा है, और ये भाग पड़ा है। और ये लीजिए इसका भी मैंने इजीली किल कर दिया यहाँ पे। तो दोस्तों मेरे पास 6 किल हो चुके हैं, अभी 7 अलाइव हैं से 7 7। तो दोस्तों पीछे की साइड कोई बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, तो सबसे पहले मेरे को इस घर के अंदर घुसना है, ठीक है, नहीं तो मेरे को गाड़ी से टक्कर ना मार दे कहीं। और वो और नो मेरे पे जोन ने पुश कर दिया दोस्तों, और जोन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ, और मुझे भी अभी सेफ जोन की ओर जाना होगा, और मैं जल्दी जल्दी दौड़ लेता हूँ यहाँ से, नहीं तो मेरा भी गेम ओवर हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू दौड़ते हुए, और ये देख सकते हो दोस्तों एक गाड़ी यहाँ पे पड़ी हुई है, और वो गाड़ी वाला बंदा, और ये लीजिए उस गाड़ी वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, और वो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आके छिप गया है। ठीक है, तो छिप के शायद अपनी हेल्थ वगैरह रिकवर कर रहा है, और रिकवर करो, पहले इसको मारना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसका इजीली यहाँ पे किल कर दिया, और काफ़ी सारी मेरे पास इसका यहाँ से एमओ और बुलेट वगैरह मिल गई। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, और अभी भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो चार बंदे अलाइव हैं, और मेरे पास हो चुके हैं यहाँ पे 7 किल। तो मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, और अगर मैं इन चारों बंदों को मार देता हूँ तो मेरे पास हो जाएंगे, आई मीन टू से अगर 3 बंदों को और मार देता हूँ तो मेरे पास हो जाते हैं यहाँ पे 10 किल, और ये मैं मैच जीत जाऊँगा। तो इस गेम प्ले में मैं एक एस्टिमेट, एक अंदाजित आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर मैं इन 3 प्लेयरों को मारता हूँ और ये मैच जीतता हूँ तो मेरे होंगे इस गेम के अंदर 10 किल, और ये मैं मैच मेरे नाम। तो देखते हैं भाई क्या हो सकता है, अगर इन बंदों ने मेरे को लुढ़का दिया तो भाई वो इस गेम में होंगे मेरे 7 किल, जो कि मैं सोलो वर्जन जो स्क्वाड खेल रहा था। तो अब ये जो 4 बंदे बचे हुए हैं उसमें एक तो मैं हूँ, और हो सकता है कि कोई स्क्वाड के बंदे भी बचे हुए हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये शायद यहाँ पे कोई स्क्वाड नहीं बची, ये सिंगल सिंगल प्लेयर बचे हुए हैं, ठीक है, जो सोलो वर्जन स्क्वाड खेल रहे थे। और ये देख सकते हो दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे बुलेट बचता है, तो ये लीजिए। इसी के साथ मेरे पास हो चुके हैं पे 7 किल, और अब हो चुके हैं 8 किल, और मैंने इस बंदे को गुड़का दिया। और अभी भी दोस्तों यहाँ पे 2 और अलाइव हैं, 2 कहाँ हैं वो मैं देख लेता हूँ पहले। तो दोस्तों इस साइड, इस डायरेक्शन में बंदे होने ही चाहिए, क्योंकि ड्रॉप उसी साइड है, तो हो सकता है ड्रॉप लूटने के चक्कर में उस साइड गए हों। तो दोस्तों मैंने एक बंदे को स्पॉट कर लिया है, वो चला रहा था, ये देखिए, और इसने मतलब एक मेरे को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया, क्योंकि देख सकते हो मेरे पास बॉडी आर्मर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और मतलब एक शॉट में तो इसने मेरे को काफ़ी अच्छा हाफ मेरी हेल्थ का डैमेज दे दिया मेरे को। तो हो सकता है कि प्रो बंदा हो, और इसने मेरे को हेड शॉट मारा, वो पता नहीं क्या था, लेकिन इसकी मतलब जिसने जो भी मेरे को बुलेट फायर की तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को इसने डैमेज दिया है। तो हो सकता है यही बंदा मेरे को किल भी कर दे, तो मैं थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और इस बंदे को किल करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ पे दिख गया दोस्तों, वो नीचे ही वो बंदा, ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे इजीली किल कर दूँ। तो बड़ी गलती है कि ये इस तरह से मतलब ना ऊपर आ रहा था ना नीचे जा रहा था। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, अब बचा है एक एक प्लेयर का मैच, और अभी भी एक अलाइव है और एक मैं हूँ, तो देखता हूँ भाई वो मुझे मारता है मैं उसको मारता हूँ। दोस्तों इसी के साथ हो चुके हैं मेरे पास 9 किल, और ये 1 किल कर देता हूँ तो मेरे पास होंगे यहाँ पे 10 किल, और ये मैच होगा अपने नाम। तो देखते हैं भाई उस बंदे को, देखते हैं। तो दोस्तों नीचे से सर्कल पुश करते हुए कर लिया, और ये स्टार्ट कर लिया, और अब तो ये बंदा गया। तो दोस्तों ये लीजिए हम यहाँ पे जीत चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप वीडियो को अपने गेम प्ले पर यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो।